कहते हैं कि महत्वाकांक्षा की हवा और पैसे की गर्मी एक बार सिर पर चढ़ जाए तो इंसान अपनों को भी भुला देता है, और फिर वो ना सिर्फ रिश्तों को बल्कि उस बुरे वक्त में अपनों के दिए साथ को भी भूल जाता है जिनकी वजह से उसे मुकाम हासिल करने में कामयाबी मिली। कुछ वक्त पहले तक जहां पतियों की बेवफाई के किस्से आम हुआ करते थे, तो वहीं SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद से पत्नियों की बेवफाई की कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। ऐसा ही एक और ताजा मामला सामने आया है यूपी के बस्ती जिले से, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया है। मामला है बस्ती जिले के कप्तानगंज थाने के धर्म सिंहपुर गाँव का, जहां के रहने वाले मजदूर अमित कुमार ने अपनी पत्नी के नर्सिंग की पढ़ाई के लिए खेत तक बेच दिए, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि उनकी पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई। पति का आरोप है कि नौकरी मिलते ही अब पत्नी ने पलटी मार दी है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने आशिक के लिए पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया है। दरअसल अमित कुमार की शादी 2011 में कप्तानगंज थाना के भुवनपुर गांव की एक युवती से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, दोनों को एक बेटी भी हुई। शादी के कुछ साल बाद युवती ने कहा कि मुझे घर में चौका बर्तन नहीं करना है, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। पति की माली हालत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके उसने अपनी पत्नी के लिए अपनी पुश्तैनी हिस्से की जमीन बेचकर राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन कराया। एडमिशन के बाद पत्नी नर्सिंग का कोर्स करने लगी, हॉस्टल में रूम अलॉट कराया और पढ़ने लिखने खाने पीने का पूरा खर्च भेजता रहा। पति का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान उसकी पत्नी को स्कूल प्रबंधक के भांजे ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जब भी वो अपनी पत्नी से मिलने जाता था तो धनंजय मिश्रा घर पर मिलता था। जब पत्नी से इसके बारे में बात की तो कहा कि वो उसका दोस्त है। जब अमित ने इस पर आपत्ति की तो धनंजय ने कहा कि जब भी घर आया करो तो पहले अपनी पत्नी को फोन करके बता दिया करो। जब अमित ने अपनी पत्नी और धनंजय की नजदीकी को समझा तो उसने आपत्ति शुरू की, जिसके बाद धनंजय ने उसकी पत्नी को उकसाकर परिवार न्यायालय में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। अमित दहेज उत्पीड़न वाले मामले में मेडिएशन के लिए 30 जून को बस्ती न्यायालय पहुंचा। आरोप ये भी है कि मेडिएशन के बाद वो घर जा रहा था, जहां खजुहा गांव के पास धनंजय और उसके अन्य साथी ने उसे रोक कर मारपीट की और उसका मोबाइल छीन लिया, जान से मारने की धमकी देकर तलाक के लिए दबाव बना रहे हैं। शादी के पश्चात मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है, मुझसे कहा तो मैंने कहा पिताजी से बात करके मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी पैसे की समस्या है, उस समय पश्चात मैं दाखिला करवा दूंगा। तब दोबारा मेरी पत्नी ने कहा, तो फिर मैंने कहा पैसे की समस्या है, तो इसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा भी करती थी, हमेशा नाराज रहती थी। उस समय पश्चात मेरे पिताजी ने कर्जा लेकर इनका एडमिशन राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में करा दिया। मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, बहुत समस्या थी। उस समय मेरे पिताजी ने खेत बेच दिया, अब ये नौकरी पा गई, स्टाफ नर्स सरकारी कर्मचारी हो गई हैं और मुझे छोड़ना चाहती हैं, मुझसे तलाक मांगती हैं। वहीं अमित के वकील अशोक ओझा ने बताया कि युवती ने अपने पति अमित के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उनकी जमानत हो गई है और मेडिएशन चल रहा है। अमित के ऊपर उनकी पत्नी और धनंजय मिश्रा तलाक लेने का दबाव बना रहे हैं। अमित के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत SP से कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। मामला ये है कि इनके खिलाफ इनकी पत्नी ने 498 का एक मुकदमा दर्ज करा रखा है और तलाक का मुकदमा दर्ज करा रखा हुआ है। 498 में इन्होंने जमानत ले रखी हुई है और मेडिएशन में इनकी फाइल चल रही है, और इन्होंने अपनी पत्नी को स्टाफ नर्स बनाया राज नर्सिंग होम गोरखपुर से। शादी के बाद इनकी पत्नी ने ये कहा कि हम पढ़ने वाले हैं, हमको पढ़ाया जाए, और नहीं पढ़ाने पे आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ये अपनी जमीन बेच करके इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखा और पढ़ने लिखने के बाद एक मिश्रा जी राज पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के प्रबंधक के भांजे हैं धनंजय मिश्रा जी, वो बीच में आ गए और इनकी दोस्ती हो गई इनकी पत्नी अर्चना से, और उन्होंने बीच में आ करके इनको बहला फुसला करके अपने प्रभाव में ले रखा हुआ है। और इनकी जब सरकारी नौकरी लग गई अर्चना की, तो वो लगने के बाद वहाँ पे जब ये जाते थे भिंगा में, वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी जाती थी, और मारपीट करने के बाद अब तलाक देने के लिए विवश करवा रहे हैं कि तुम तलाक दे दो अपनी पत्नी को। बहरहाल अब देखना होगा कि बस्ती पुलिस से अब अमित को इंसाफ मिलता है या दर दर की ठोकर।
बस्ती से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता पारसनाथ मौर्य की रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।